निकाय चुनाव का दूसरा चरण है और दूसरे चरण के दिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त मैं नगर पंचायत निवाड़ी में मौजूद हूं। निवाड़ी की अगर बात की जाए तो निवाड़ी की जो मिठाई है, निवाड़ी की जो कलाकंद है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है और यही मिठास आज यहाँ की फिजाओं में भी घुलती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ इस वक्त एक जोड़ा है जिनकी नई नई शादी हुई है, तो वो अपने मत का इस्तेमाल करने आए हैं। उनसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि किन मुद्दों के साथ वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आज पहुँचे हैं। आप अपना नाम बताएं। अंकुर। अंकुर, आपकी शादी को कितना समय हुआ है? 1 वीक। अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और मत का इस्तेमाल करने आ पाए हैं, तो कितना एक्साइटमेंट है इस दौरान? बहुत ज्यादा है जी। आपकी धर्मपत्नी से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? छवि। छवि, बहुत प्यारा नाम है छवि। छवि, ये बताइए, अब तक तो आप अपने मायके में वोट डालते थे, पहली बार ससुराल में वोट डाल रही हैं और अभी तो 1 हफ्ता हुआ है, जाहिर सी बात है 1 हफ्ते में पूरे कस्बे को अभी आप समझ भी नहीं पाई होंगी कि यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपने 1 हफ्ते के भीतर समझे हों कि इन मुद्दों पर हम अपने मत का इस्तेमाल करेंगे? देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी बाकी तमाम मतदाताओं से आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं, अभी दुल्हन है, थोड़ा शाई नेचर है। जोरान देखिए, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अम्मा यहाँ पर आई हैं वोट डालने। अम्मा, क्या कुछ चाहती हैं, क्या होना चाहिए कस्बे में इस बार? बस सही होना चाहिए। सही होना चाहिए। हाँ। तो इतने साल से आप तो देख रही हैं कस्बे में, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत है कस्बे में? वही नहीं, तो नहीं पता होगा, मैं तो घर में लौटी रहूं, मुझे तो कोई पता नहीं। अम्मा कह रही है भाई मैं तो घर में लौटी रहूं, मुझे तो कुछ पता नहीं, मतलब मैं घर में लेटी रहती हूं, लेकिन हाँ ये देखिए कि कितनी जागरूक है वो अपने मत का इस्तेमाल करने यहाँ पर पहुंची हुई है। और डिम्पल जी से हम यहाँ पर बात कर रहे थे जो दिल्ली से अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची है, इस बार के क्या कुछ मुद्दे है नगर पंचायत निवाड़ी में? एक्चुअली देखो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं दिल्ली से यहाँ पर आई हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं क्योंकि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ यहाँ पे वोट डालने के लिए। और एक बात बताऊँगी, कल मेरी कान की सर्जरी हुई है, कल इवनिंग में ही मेरा डिस्चार्ज हुआ है, उसके बावजूद मैं यहाँ पर वोट डालने आई हूँ, तो आप समझ सकते हैं। और मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं न्यूज़ चैनल पर देखती हूँ कि इस बार 60% मतदान हुआ है, इस बार 65% मतदान हुआ है 100 में से, तो बहुत दुख होता है। जो सरकार की योजनाएँ हैं, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, वो तो सब लेने को तैयार होते हैं, बट अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं होते हैं, जबकि उसका पहला ये दायित्व बनता है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि अपने घरों से निकलें और अपनी अपनी जो इतनी महत्वपूर्ण वोट है उसको डालें। बाकी मैंने देखा है कि गांव में बहुत तरक्की हो रही है और आगे भी बहुत कुछ होना बाकी है, सो उसी विकास के लिए कि अपनी वोट दी जाए और अच्छे कैंडिडेट को जो भी हमने अपने माइंड में चूज किया है उसको वोट देकर, और उम्मीद जताई जा रही है कि जताने के लिए कि वोट देकर उनको हम अच्छे से जिताएं और आगे अपना अपने कस्बे का हमारा विकास हो। बिल्कुल, तो विकास के मुद्दों पर यहाँ पर देखिए कि जो मतदाता है वो लाइन में लगे हुए हैं और भारी संख्या में, चाहे यहाँ पर युवाओं की बात की जाए, चाहे यहाँ पर पुरुषों की बात की जाए, हर कोई अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचा है। और इस दौरान कई सारे जो वोटर्स हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ है। अगर हम बात करें फर्स्ट वोटर्स को लेकर, तो जो पहले बार जब मतदान किया जाता है तो बहुत ज्यादा क्रेज होता है ऐसे में मतदाताओं में, फर्स्ट वोटर्स कुछ मेरे साथ इस दौरान है। आप फर्स्ट वोटर्स हैं, कैसा लग रहा है, कितने एक्साइटेड है क्योंकि पहली बार मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, पहली बार बहुत खुशी हो रही है, पहली बार वोट गिर रहे हैं और आगे भी गिरते रहेंगे ऐसे। बहुत खुशी हो रही है इनको, जाहिर सी बात है कि मौका जो है वो खुशी का ही है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? आज ही बहुत खुशी हो रही है, आगे भी डालते रहेंगे। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए? गाँव की सड़कें हमारे जो यहाँ के आस पास की है वही है जी, ज्यादा उनकी समस्या होती है यहाँ पे। देखिए, हर कोई चाहता है कि जो हमारी नगर पंचायत है यहाँ पर कि सड़कें साफ हों, इसके साथ ही स्वच्छता की लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं और जितनी लंबी लाइन यहाँ पर पुरुषों की आपको देखने को मिल रही है, ठीक उसी तरीके से महिलाओं की जो लड़कियां हैं उनकी लाइन भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है,
सबके अपने अपने जो वादे हैं, तमाम वादे यहाँ पर प्रत्याशियों ने किए हुए थे, लेकिन मतदाता अपने मत का इस्तेमाल किन मुद्दों के साथ करेंगे ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और ये देखिए कि किस तरीके से बच्चे को लेकर यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो खड़ी हुई। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो एजुकेशन को लेकर जितना जागरूक यहाँ के लोग हैं, क्योंकि अगर महिलाओं को लेकर बात करें तो पढ़ी लिखी महिलाएं हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो चाहती हैं कि हमारे कस्बे का विकास हो। कुछ और लड़कियां हमारे साथ हैं, इस नगर पंचायत की बेटियां हमारे साथ हैं। They want to be in a physical activity, so we want that there is some ground and all these things has been and the cow there is a proper cow house should be there in the actually I don't know about the gaushala what should be saying in English। आपके कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आप अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रही हैं? जी मेजर तो हमारा एजुकेशन है, हमारे कस्बे का विकास है, डेवलपमेंट है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सोच के हम वोट अपना जो मत का यूज़ करने जा रहे हैं आज। बिल्कुल, देखिए कहा भी जाता है ना कि हर एक वोट जरूरी होता है, और इसीलिए अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का दूसरा चरण है आज, और दूसरे चरण देखिए यहाँ पर संस्कार भी आपको देखने को मिलेंगे जो शायद शहरों में लोग भूल गए हैं, लेकिन आज भी नगर पंचायत में संस्कार आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बहुएं आज भी अपनी सासू माँ या जो पड़ोस की सासू माँ होती है, जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, उनके पैर छूती हुई नजर आती है। ये यहाँ के संस्कार हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि संस्कारों से भरा है नगर पंचायत निवाड़ी। और अम्मा हमारे साथ हैं, लठिया लेकर आई हैं अपनी। अम्मा कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो आप चाहती हैं कि हमारे नगर पंचायत निवाड़ी में पूरे होने चाहिए, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज अपने मत का इस्तेमाल आप करने जा रही हैं? हाँ, सड़क बढ़िया हो, बच्चों की अच्छी तरक्की कर रहे हैं, स्कूल अच्छे होने चाहिए। हाँ। देखिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से आगे बढ़े और आगे पढ़े, तो अम्मा का भी यही कहना था यहाँ पर कि भाई हम यही चाहते हैं कि बच्चे आगे पढ़े, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे स्वास्थ्य को लेकर ये लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और एक यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन एक ऐसी महिला है जो कि गर्भवती है यानी कि प्रेग्नेंट है, और वो यहाँ पर पहुंची है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। मतलब आपको तो हमारी तरफ से भी बधाई, क्योंकि आप एक जागरूक मतदाता है, ये अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंची है, क्या कुछ कहेंगी बाकी मतदाताओं को आप? जिस हालत में मैं हूँ उस हालत में मैं वोट अपनी पूरा सपोर्ट कर रही हूँ, मैं वोट गे रही हूँ। देखिए एक और महिला इस वक्त हमारे साथ है, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आई है। किन मुद्दों पर आज आप अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं? देखिए जो सही कार्य करने वाला है हम उसको ही चुनेंगे, जो अपना उल्लू सीधा करेगा वहाँ हम नहीं सपोर्ट करेंगे। और जो हमारा विकास है, जो ग्रामीण विकास है, वो रुका हुआ है सारा, तो हम ऐसे उसको चुनेंगे कि जो हमारे गांव का विकास हो। थैंक यू। तो ग्रामीण विकास को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए केंद्र से राज्य के पास बहुत सारी योजनाएं पहुँचती हैं, लेकिन राज्य के पास जब वो योजनाएं पहुँचती हैं तो जब गांवों और नगर पंचायतों में वो योजनाएं पहुँचती हैं तो उस दौरान उतनी योजना ठीक तरीके से नहीं पहुँच पाती हैं। लोगों का यही कहना है कि नगर पंचायत में सही तरीके से विकास हो और केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं वो हम लोगों तक पहुँचे। कुछ युवा और यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे हम यहाँ पर बात करेंगे। आप बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए मुद्दे तो काफ़ी हैं, पर जो मेन मुद्दा है वो है एजुकेशन, क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन रहेगा वही गांव का विकास कर पाएगा, तो इसीलिए मेन मुद्दा मेरा एजुकेशन रहने वाला है। ठीक है, एजुकेशन पर मेन मुद्दा मेरा रहने वाला है वैसे बेसिकली, क्योंकि जिसको ज्ञान होगा वही गांव का विकास कर पाएगा। एक और बड़ी अच्छी सी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पर, एक अम्मा व्हील चेयर पर आई हुई है। अब इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग जो है वो कितने जागरूक हैं। ये तस्वीर देखिए, ये सबसे खूबसूरत तस्वीर हम कह सकते हैं कि कई बार होता है स्वास्थ्य कारणों से हम ठीक से चल नहीं पाते हैं, लेकिन हमें पता है कि आखिरकार हम कितने जागरूक हैं।